नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किंगडम एनिमेलिया के फाइलम आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा जो है वो बिगेस्ट फाइलम इन दी अर्थ। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसके अंदर देर आर सो मेनी क्लासेज। आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी है उनकी जो बॉडी है सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड, उनमें मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस पाई जाती है, मेटामॉर्फोसिस क्रियाएं होती है। तो अपन डिस्कस करते हैं, ब्रीफ में डिस्कस करते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो क्लासेज है, इसके वर्ग हैं, वो 7 क्लासेज हैं। 7 क्लासेज हैं जिसके अंदर ओनाइचोपोरा, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ट्राइलोबिटा एंड दी इंसेक्टा। दैट इज द 7 क्लासेज ऑफ दी फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इनके अंदर देखिए ओनाइचोपोरा, जिसके अंदर अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन, तो इसमें पेरिपीड्स आते हैं। एरेक्निडा की बात करते हैं तो इसमें है टिक्स है, माइट्स है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है। ये जो प्राणी हैं वो क्लास एरेक्निडा से बिलोंग करते हैं। टिक्स है, माइट्स है, स्पाइडर है एंड स्कॉर्पियन है। देन क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया के अंदर प्रॉन्स हैं, चिलोपोडा, चिलोपोडा के अंदर सेंटीपीड्स हैं, डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा के अंदर मिलीपीड्स हैं, ट्राइलोबिटा, ट्राइलोबिटा एंड एक्सटेंड ग्रुप मींस ये जो ग्रुप है वो एक्सटेंड ग्रुप है एंड एक्सटेंड ग्रुप। देन इंसेक्टा जो सबसे बड़ा क्लास है फलम आर्थ्रोपोडा का, जिसके अंदर सारे इंसेक्ट आते हैं। तो ये जो क्लासेज हैं उनके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्लास एरेक्निडा है उसके अंदर कौन से प्राणी आते हैं। तो उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो उनके अंदर टिक्स है, माइट्स है, स्पाइडर है और स्कॉर्पियन है। देन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपन जो डिस्कस करेंगे, जो अपने सिलेबस के अंदर जिसका डिस्कस है सबसे ज़्यादा, वो है इंसेक्टा, जिसके अंदर टोटल जो इंसेक्ट हैं वो सम्मिलित हैं। तो इंसेक्टा आल्सो नोन एज दी हेक्सोपोडा, हेक्सोपोडा बोला जाता है क्योंकि इसमें दैट हैव 6 पैर ऑफ द लेग्स, जिसके अंदर कितने पैर, 3 पैर ऑफ द लेग्स जो 6 काउंटिंग के अंदर आते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हेक्सोपोडा बोला जाता है। अब देखिए जो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसके अंदर जो क्लास इंसेक्टा है वो उसकी स्ट्रक्चर के अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी, उसके अंदर हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, सिर, वक्ष और उदर भाग होते हैं इसके अंदर, इस इन प्राणियों के अंदर। तो इंसेक्ट्स के अंदर हेड, हेड कंसिस्ट विद दी 6 सेगमेंट्स, हेड के अंदर कितने कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 6 खंडों से मिलकर बना होता है। 6 सेगमेंट्स के द्वारा कीटों का सिर भाग बना हुआ होता है, दैट हैव द कंटेन 6 स्केलेराइड्स। देन इनके अंदर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, कंपाउंड आईज पाई जाती हैं, इसके अंदर एंटीनी पाई जाती है, इसके जीना पाया जाता है और माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो सेगमेंट है, वो है एंटीनी। एंटीनी इंसेक्ट की जो मेन सफेद ग्राही अंग अपन कह सकते हैं। एंटीनी की जो स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो एंटीनी के 3 सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं एंटीनी के, 3 सेगमेंट्स होते हैं। 3 सेगमेंट्स के अंदर जो फर्स्ट सेगमेंट्स होता है वो होता है स्केप, वो क्या होता है, स्केप। सेकेंड जो सेगमेंट्स होता है वो होता है पेडेसिल, और थर्ड जो सेगमेंट होता है वो होता है फ्लेजिलियम। स्केप,
पेडेसिल और फ्लैजिलिया। अब देखिए इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि कीटों की जो एंटीनी है संगीका है उसका कौन सा भाग उसके सिर भाग से जुड़ा हुआ होता है, तो वो भाग होता है स्केप। स्केप इज दैट सेगमेंट दैट आर द अटैच टू द इंसेक्ट हेड। एंड द सेकंड इज द इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो पेडिसिल होता है उसके अंदर एक अंग पाए जाते हैं जिनका नाम है जॉनसन अंग। जॉनसन अंग क्या होते हैं? जॉनसन अंग होते हैं स्वेद ग्राही अंग। क्या क्या होते हैं? इनको बोलते हैं स्वेद ग्राही अंग, संवेदनाओं का आभास करवाते हैं इंसेक्ट्स को। दैट इज द कीमोसेंसरी ऑर्गन्स। जॉनसन अंग पेडिसिल पार्ट में होते हैं और जो सबसे बड़ा जो एंटीनी का जो सेगमेंट होता है वो होता है फ्लैजिलियम। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट SPF इसके पेडिसिल और फ्लैजिलियम ये सारे किसके श्रृंगिका के खंड होते हैं जिसमें फर्स्ट खंड स्केप होता है, सेकंड खंड पेडिसिल होता है और थर्ड जो सेगमेंट होता है खंड होता है वो फ्लैजिलियम होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार पूछ लेते हैं कि जो जॉनसन अंग है वो श्रृंगिका के कौन से खंड में पाए जाते हैं या जो श्वेतग्राही अंग है उनका नाम क्या है। तो ये जो श्वेतग्राही अंग है उनको बोलते हैं जॉनसन अंग। ये श्वेतग्राही अंग होते हैं और ये जो पेडिसिल जो भाग होता है पेडिसिल जो खंड होता है एंटीनी का श्रृंगिका का उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो एंटीनी के बहुत सारे मॉडिफिकेशन होती है, किसमें मणिकारूपी होती है, किसमें कंगेनुपा होती है, किसी के अंदर है पेक्टिनेट बाई पेक्टिनेट, बहुत अलग अलग प्रकार की एंटीनी पाई जाती है, किसी में जेनिकुलेट पाई जाती है। तो ये मॉडिफिकेशन होते हैं अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर, अलग अलग इंसेक्ट्स के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की क्या है एंटीनी श्रृंगिका पाई जाती है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन आता है कि संवेदनाओं का आभास कराने के लिए संवेदग्राही जो अंग होते हैं वो कीटों के अंदर मुख्यतः होते हैं। तो मुख्यतः कौन से होते हैं? वो होते हैं एंटीनी। यहाँ तक क्लियर? और एंटीनी के अंदर जो पेडिसिल भाग होता है उसमें जॉनसन अंग पाए जाते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं वो होते हैं ट्रेकियल आर्थ्रोपोड्स, मींस उनमें ट्रेकिया पाया जाता है रेस्पायरेशन के लिए, श्वसन के लिए ट्रेकिया पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं तो इंसेक्ट आर ट्रेकियल आर्थ्रोपोड्स। तो ट्रेकिया पाया जाता है तो उनकी बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड के अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं? 6 सेगमेंट्स होते हैं। थोरेक्स के अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं और एब्डोमेन के अंदर 10 से 11 खंड से मिलकर वो भाग बना होता है उधर भाग। तो अपन कह सकते हैं कि इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर 29-21 सेगमेंट्स उनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। तो देखिए जो थोरेक्स और थोरेक्स जो हेड का जो कनेक्टिंग लिंक है, जो कनेक्टिंग भाग है उसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं उसको? सर्विक्स। हेड को और सिर भाग को जोड़ने वाला जो सेगमेंट होता है, जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोला जाता है। देन ये जो थोरेक्स भाग होता है, सेकंड जो भाग होता है इंसेक्ट बॉडी का उसको बोलते हैं थोरेक्स वर्क्स बोला जाता है। और उस वर्क्स भाग के 3 सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट प्रोथोरेक्स, सेकंड सेगमेंट मीजोथोरेक्स और थर्ड सेगमेंट्स मेटाथोरेक्स। प्रो मीजो एंड मेटा, कौन से? प्रो मीजो एंड मेटा। तो दोस्तों ये बात करते हैं अपन थोरेक्स के भाग की। तो थोरेक्स के भाग के अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लोकोमोशन के लिए काम आता है, उसको चलने में सहायता करता है, उसके मूवमेंट में, इंसेक्ट के मूवमेंट में काम आता है। तो ये जो पार्ट है बहुत एक्टिव पार्ट है। तो यहाँ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि थोरेक्स भाग को अपन देखते हैं तो थोरेक्स भाग के ऊपर मुख्यतः 2 अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उनके अंदर पंख और
टांगे। पंख मींस विंग्स और लेग्स। विंग्स मोस्टली मुख्यतः कीटों के अंदर दो जोड़ी क्या है विंग्स पाए जाते हैं, दो जोड़ी उनके अंदर पंख पाए जाते हैं, कुछ के अंदर एक जोड़ी भी पाई जाती है और कुछ के अंदर एब्सेंट भी होती है। लेकिन कॉमन अगर बात करें तो दो जोड़ी उनके अंदर विंग्स पाए जाते हैं, इनके अंदर फोर विंग और हैंड विंग, अगर पंख और पसे पंख। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि थोरेक्स के तीन भाग हैं, आपको बताया पहले प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ये जो प्रो, ये मीजो और ये मेटा, इसके अंदर जो विंग्स एब्सेंट होते हैं वो प्रोथोरेक्स के ऊपर विंग्स एब्सेंट होते हैं, मींस विंग्स उसके ऊपर नहीं पाए जाते। तो फिर विंग्स कहाँ पाए जाते हैं, तो विंग्स एक जोड़ी जो विंग्स है वो मीजो और एक जोड़ी कहाँ मेटाथोरेक्स के ऊपर पाई जाती है। क्लियर? तो विंग्स इसको इंसेक्ट को लोकोमोशन है उसको फ्लाइट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर बात करें सबसे मेन जो यूनिवर्सल जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो दिया गया है एडीएम्स के द्वारा और बेस्ट ऑन दी विंग्स, पंखों के आधार पर वो वर्गीकरण दिया गया है। टांगों की बात करते हैं तो टांगों के विंग्स टू पेयर्स, टांगों की बात करते हैं तो तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है, कितने जोड़ी तीन जोड़ी मींस सिक्स पैर, कितने हो गए सिक्स पैर। इसीलिए इंसेक्टा आल्सो नॉन एज दी हेक्सापोडा, इंसेक्टा को इसीलिए क्या कहा जाता है हेक्सापोडा कहा जाता है, मींस कीटों के कीटों में छह टांगे पाई जाती है, मींस तीन जोड़ी उनमें टांगे पाई जाती है जो आपके प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पे एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। एक जोड़ी टांग प्रो के ऊपर, एक मीजो के ऊपर और एक मेटा के ऊपर उनकी टांगे पाई जाती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि कीटों के अंदर कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है, तो कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है, अगर संख्या की बात करें तो वो छह उनके अंदर टांगे पाई जाती है। देन जो टांगों की स्ट्रक्चर अगर कहें अपन उनकी चर्चा करें तो टांगों के अंदर जो फर्स्ट सेगमेंट्स होता है जो बॉडी से अटैच होता है उसको कहते हैं कॉक्सा, उसका नाम क्या है कॉक्सा। सेकंड जो सेगमेंट्स होता है उसको बोलते हैं ट्रोकेंटर, क्या बोलते हैं उसको ट्रोकेंटर। थर्ड जो सेगमेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीमूर। देन टीबिया, एंड देन टार्सस। एंड पेरिटार्सस। ये जो है सेगमेंट्स एक लेग्स के जॉइंटेड जो पार्ट हैं उसके अंदर जो बॉडी से जो प्लूरा इस भाग से अटैच रहता है, इस भाग से जो अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉक्सा। देन ट्रोकेंडर, फीमर, टीबिया, टार्सस और पेरिटार्सस, ये इसके सेगमेंट्स जॉइंटेड पार्ट होते हैं इंसेक्ट के जो लेग के। तो उसके अंदर देखो क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि कीटों की टांग का कौन सा भाग, कीटों की टांग का कौन सा भाग बॉडी से इंसेक्ट की कीट की बॉडी से अटैच रहता है, तो वो कौन सा भाग होता है कोक्सा। क्योंकि जो ये भाग है कह सकते हैं अपन कोक कह सकते हैं, कोक के अंदर जो पार्ट लगा होगा वो क्या कहलाएगा, वो कोक्सा कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सा भाग टांग का है वो भूमि से सबसे ज़्यादा अटैच रहता है, तो कौन सा भाग रहता है टार्सस से। टार्सस मीन्स जो सरक कर चलता है सबसे ज़्यादा अटैच में रहता है, चाहे वो रनिंग करने वालों के अंदर हो, चाहे वो स्विमिंग करने वालों के अंदर जो पानी से अटैच रहेगा, या और जो भी है डिगिंग करने वाले हो, जंपिंग करने वाले हो, उनके अंदर क्या है टार्सस मोस्टली क्या है सोइल से या वाटर से ज़्यादा जहाँ टच में रहता है। तो ये बात, ये जो सेगमेंट्स हैं वो लेग्स के हैं। तो मोस्टली इंसेक्ट के अंदर
थ्री पैर्स ऑफ द लेग्स प्रेजेंट होते हैं, काउंटिंग की अंदर बात करें तो छह उनमें टांगे होती, इसीलिए इंसेक्टा आल्सो नॉन एज हेक्सापोडा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंसेक्टा का दूसरा नाम है तो दूसरा नाम क्या है उसका, हेक्सापोडा। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट देखिए ये जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि वर्गीकरण बहुत सारी प्रजातियां होती है। देखो कीटों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो कीटों के द्वारा है, खरपतवारों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा है, निमेटोड्स के द्वारा, इनके द्वारा होता है। अगर फर्स्ट वर्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो खरपतवारों के, वीड्स के द्वारा हो रहा है। सेकेंड स्टेज के ऊपर जो जो आते हैं वो इंसेक्ट्स आते हैं, तो इनकी स्टडी करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अपन जान लें कि व्हाट आर द इंसेक्ट, व्हाट आर द पेस्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंसेक्ट एंड पेस्ट, इंसेक्ट और पेस्ट में अंतर क्या है। देखिए इंसेक्ट और पेस्ट, इंसेक्ट अपन कह सकते हैं कि हानिकारक प्लस लाभदायक, हानिकारक प्लस लाभदायक मीन्स इंसेक्ट मे बी हार्मफुल एंड बेनिफिशियल। इंसेक्ट क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, दोनों के डिग्रीज के जो होते हैं वो सारे इंसेक्ट्स होते हैं। बट जो पेस्ट होते हैं ऑलवेज डैमेज टू दी क्रॉप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, उनको हमेशा ऑलवेज कोज नुकसान पहुंचाते हैं, वो पेस्ट कहलाते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या सारे पेस्ट हैं वो इंसेक्ट हो सकते हैं, क्या सारे पेस्ट इंसेक्ट हो सकते हैं, तो बेसिकली सारे पेस्ट इंसेक्ट हो सकते हैं। ओके क्या सारे इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं, तो ये कदम भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो लाभदायक है वो कभी जो पेस्ट नहीं होगा, पेस्ट हमेशा क्या है नुकसान करेगा, चाहे वो फील्ड लेवल पे हो, चाहे वो स्टोरेज के अंदर हो, चाहे वो कैसे भी ह्यूमन बींग्स को है, टेक्स माइट जो भी है, वो सारे वो नुकसान करेंगे ऑलवेज। तो पेस्ट का जो मेजर डिफरेंस है पेस्ट और इंसेक्ट के अंदर, कि इंसेक्ट हानिकारक और लाभदायक दोनों उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, पेस्ट में ऑलवेज वो क्या करते हैं, वो डैमेज करते हैं, ठीक है, वो नुकसान ही पहुंचाते हैं, वो पेस्ट होते हैं। अब देखिए इनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्गीकरण के बिना प्रजातियों को आइडेंटिफिकेशन करना, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेशन करना वो संभव, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज होती है, सिमिलरिटी उनके अंदर होती है, तो किस प्रकार के उनको डिवाइडेशन किया गया। तो अगर सबसे जो क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण किया गया है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो वर्गीकरण है वो एडीएम्स के द्वारा कीटों का वर्गीकरण किया गया है, उनको ऑर्डर्स के अंदर, अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। तो सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो एडीएम्स के द्वारा, एडी जो एम्स जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण के अंदर कीटों के वर्गीकरण के अंदर उनके जो 29 इंसेक्ट ऑर्डर्स हैं एडीएम्स के अनुसार, टोटल जो ऑर्डर्स हैं, टोटल जो गण हैं वो कितने हैं, 29 इंसेक्ट ऑर्डर्स। 29 इंसेक्ट ऑर्डर्स ये किसके आधार पर दिए गए, किसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, इनका वर्गीकरण बेस्ट ऑन दी विंग्स, किसके आधार पर, पंखों के आधार पर, बेस्ट ऑन दी विंग्स, पंखों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। पंखों के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, जो 29 इंसेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई किए गए उनके अंदर उनको वर्गीकृत करने में 25 ऑर्डर तो किसमें रखे, बिना पंख वाले, सॉरी पंख वाले मीन्स टेरिकोटा के अंदर रखा गया, और 4 जो ऑर्डर हैं उनको रखा गया एटेरिकोटा बिना पंख वाले। तो ये तो पंख वाले और बिना पंख वाले, तो 29 इंसेक्ट ऑर्डर को क्लासिफाइड किया गया, क्लासिफाइड के अंदर 25 प्लस 4 दे 29 इंसेक्ट ऑर्डर्स।
उनके अंदर 25 पंख वाले थे जिनके अंदर विंग्स विद्यमान थे और 4 ऑर्डर थे जिनके अंदर विंग्स एब्सेंट थे। अगर 4 ऑर्डर्स की अपन इनकी बात करें तो इसके अंदर आते हैं प्रोट्यूरा आता है, प्रोट्यूरा आता है, डाइप्लूरा आता है, कोलम्बोला आता है एंड थाइसन्यूरा जिसमें सिल्वर फिश आती है थाइसन्यूरा। तो ये 4 ऑर्डर प्रोट्यूरा डाइप्लूरा कोलम्बोला थाइसन्यूरा, ये 4 ऑर्डर जिनके अंदर पंख नहीं पाए जाते वो क्लासिफाइड किया गया। तो जो कीटों का वर्गीकरण किया गया वो बेस्ट ऑन दी विंग्स जो एडीएम्स के द्वारा दिया गया वो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। उनके अनुसार 29 इंसेक्ट्स ऑर्डर हैं, 29 इंसेक्ट के अंदर 25 को तो डिवाइडेशन किसके अंदर किया गया, 25 को तो टेरिगोटा के अंदर किया गया जो पंख वाले होते हैं, और 4 इंसेक्ट ऑर्डर को एटेरिगोटा के अंदर किया गया जो जिनके पंख एब्सेंट होते हैं। ओके तो ये क्लासिफिकेशन किया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन बेस्ट ऑन दी विंग्स के आधार पर किया गया है उसमें कितने ऑर्डर्स रखे गए हैं, तो टोटल कितने ऑर्डर हैं, कितने गण हैं, वो ऑर्डर्स हैं 29 ऑर्डर वो है। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो इंसेक्ट है अगर इनकी डेफिनेशन इंसेक्ट की परिभाषा अपन देखें, एक साइंटिफिक परिभाषा देखें तो इंसेक्ट आर ट्रेकियल आर्थोपोड, इंसेक्ट आर ट्रेकियल आर्थोपोड क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ट्रेकिया पाया जाता है, दैट आर द रेस्पायरेशन ऑर्गन। तो ट्रेकिया पाया जाता है, ट्रेकियल आर्थोपोड विच बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड थोरेक्स एंड द एब्डोमन, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमन। हेड कंसिस्ट विद द 6 सेगमेंट्स, हेड के अंदर कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं, 6 खंड पाए जाते हैं, कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 6 खंड। थोरेक्स कंसिस्ट विद द 3 सेगमेंट्स, प्रोथोरेक्स मेजो मेटा, इसके अंदर कितने पाए जाते हैं, 3 सेगमेंट्स। और इट हैव 2 पेयर्स ऑफ द विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स, इसके अंदर जो थोरेक्स पार्ट है कितने उसके अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उनमें विंग्स पाए जाते हैं, उसके अंदर लेग्स पाए जाते हैं, 2 पेयर्स ऑफ द विंग्स प्रेजेंट होते हैं और 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन के लिए इंसेक्ट में काम आते हैं। देन 10-11 सेगमेंट्स उसकी जो एब्डोमन पार्ट के ऊपर होते हैं। अगर टोटल और अपन बात करें तो उनके अंदर 20-21 जो बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, उनके खंडित बॉडी पाई जाती है इसके अंदर। तो ये अगर एक आर्थोपोडा की बात करें तो आर्थोपोडा बिगेस्ट फाइलम है। आर्थोपोडा के अंदर बहुत सारे क्लासेज है, बहुत सारे वर्ग है, जिन वर्गों के बारे में अपने चर्चा की उनके अंदर 7 वर्ग आपको मैंने बताया, 7 वर्गों में ओनाइचोपोरा है, क्रस्टेशिया है, एरेक्निडा है, चिलोपोडा है, डिप्लोपोडा है, ट्राइलोबीटा है एंड दी इंसेक्टा है। अपने कोर्सेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिस्कस है वो इंसेक्टा है। इंसेक्टा क्योंकि जो इंसेक्ट हैं, जो पेस्ट है, जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, उनकी स्टडी करना किसान के लिए बहुत ही, जो साइंटिस्टों वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है, जो किसानों को उनको मैनेजमेंट टेक्निक सिखा सके, उनको उनके जो डैमेज सिम्टम्स या उनके डैमेज कैटेगरीज उनको बता सके, तो ये बहुत ज़रूरी है इनकी स्टडी करना। तो इनके अंदर अगर आपको क्लासेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आता है आप एरेक्निडा क्लास से। एरेक्निडा क्लास का क्या क्वेश्चन आता है, एरेक्निडा में पूछा जाता कि एरेक्निडा के अंदर कौन से उसके एग्जांपल हैं, एरेक्निडा के अंदर कौन से प्राणी आते हैं, तो आपको टिक्स, माइट्स, स्पाइडर, उनके बारे में मैंने आपको बताया। देन ये आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्ट क्लास है उसके अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट के इंसेक्ट हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं तो देखिए उसके आपके जो सिलेबस में है सफ़ेद अलर्ट, जिनके अंदर वाइट ग्रब, उसके अंदर अगर बात करते हैं तो एमसेक्टा जिसको बोलते हैं कातरा एमसेक्टा, उसके अंदर अगर बात करते हैं तो लॉकस्ट, टिड्डी जो ग्रास होपर, और अगर ग्राम
चने की सुंडी, चने का फली वेदक, ग्राम पोर्ट बोरर, टर्माइट, खपरा बीटल, ये जो पेस्ट है वो देखो बहुत सारी क्षति पहुंचाते हैं, बहुत सारे नुकसान करते हैं, बहुत सारे डैमेज करते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ पेंडेमिक कंडीशंस करते हैं, बहुत सारे सीवियर कंडीशंस में आते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत बार अगर लोकस्ट की बात करते हैं तो ये सीवियर कंडीशन में आती है, बहुत सारे इलाकों के अंदर ये जहाँ पे जाती है वो पूरा नष्ट करते हैं। अब अपन इसको इंटरनेशनल पेस्ट की कैटेगरीज के अंदर